अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हियर इज़ द 10th लेक्चर ऑफ साइंस। प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 38। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फैक्ट फाइल अबाउट फ्रॉग्स ब्लो Using the correct words and phrases from the brackets। ये ब्रैकेट्स में उन्होंने कहा है कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रॉग के मुतल्लक हैं, जो सही ऑप्शन है उसको आपने इन ब्रैकेट्स में लगाना है या जो सही है उसके ऊपर हमने टिक कर देना है। मैंने टिक किए हुए हैं, आप लोग इन ब्रैकेट्स में उनको लिख लीजिएगा। फर्स्ट है अ फ्रॉग लिव इन डैश। फ्रॉग कहाँ रहता है? एयर हवा में, वाटर पानी में, लैंड ज़मीन पर। लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी में, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लैंड एंड वाटर। फ्रॉग्स जो होते हैं वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। हाँ जी, सेकंड है हमारा, इट हैज़ डैश लिम्स। लिम्स मीन होता है टांगे, उसकी कितनी टांगे होती हैं? 2, 4 या 6, तो सही ऑप्शन है 4। हाँ जी, नेक्स्ट है, इट्स स्किन इज डैश। उसकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है? ड्राई एंड स्केली, बम्पी एंड वेट, तो सही ऑप्शन है बम्पी एंड वेट। बम्पी का मतलब होता है चिकनी, एंड वेट और गीली। हाँ जी, नेक्स्ट है, इट डैश अ नेक। हैज होती है उसकी नेक, डज नॉट हैव या ये नहीं होती, तो क्या है कि फ्रॉग की जो गर्दन है वो नहीं होती, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डज नॉट हैव अ नेक। ठीक है, आगे इट ईट्स डैश, क्या खाता है वो? फ्लाइज, मक्खियाँ, ग्रास, तो सही ऑप्शन इसका क्या है? फ्लाइज, मक्खियाँ खाता है। नेक्स्ट है, इट डैश हिसिस क्रॉक्स स्क्रीचिस, यानी कि वो कैसे बोलता है, तो वो क्या करता है? क्रॉक क्रॉक, आपने मेंढक की आवाज़ सुनी होगी, वो कैसे बोलता है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? क्रॉक्स। हाँ जी, नेक्स्ट है, बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड, जो फ्रॉग के बेबी होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्राइसेल्स या टैडपोल्स, तो हमने रीडिंग में पढ़ा है कि जो बेबी फ्रॉग होते हैं उनको हम टैडपोल बोलते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? टैडपोल। क्वेश्चन है, नाउ मेक अ फैक्ट फाइल ऑन द बटरफ्लाई। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द फॉलोइंग, इनके नाम लिखने हैं। ये स्टेटमेंट दी हुई है, इनको देख के हमने नाम लिखने हैं कि ये कौन सा एनिमल है। एन एनिमल विद द हम्प ऑन इट्स बैक, कौन सा जानवर होता है जिसकी बैक पर हम्प होता है, तो उसका सही है कैमल। किसकी बैक पर हम्प होता है? कैमल की बैक पर। एन एनिमल विद हॉर्न्स, एन एनिमल विद हॉर्न्स, हॉर्न्स कहते हैं सींगों को, तो किस जानवर के सींग होते हैं? वैसे तो काफ़ी सारे जानवर हैं जिनके सींग होते हैं, लेकिन हमने इधर लिखा है खाओ। एन एनिमल विद क्लॉज, क्लॉज कहते हैं पंजों को, कौन किस जानवर के पंजे होते हैं? लाइन, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके पंजे होते हैं, तो आपने राइट करना है लाइन। एन एनिमल विद टस्क, टस्क कहते हैं लंबे दांतों को, तो किसके होते हैं? एलिफेंट के। एन एनिमल विद फर, किस जानवर के जिस्म पर फर होती है? कैट है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके जिस्म पर फर होती है, लेकिन हमने इधर क्या राइट किया है? कैट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 33 एंड मैच द फॉलोइंग। ठीक है, पेज नंबर 33 पे आपने पिक्चर देखनी है, 33 पेज नंबर 33 पे देखें आप क्या बना हुआ है। ये देखें, ये एनिमल्स बने हुए हैं, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी बने हुए हैं, तो इनको देख के आपने ये वाला जो है कॉलम ये मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले है ट्रंक, ट्रंक कहते हैं सूंड को, और सूंड किस एनिमल की होती है? एलिफेंट की, तो इससे क्या काम लेता है वो? फॉर ग्रास्पिंग, ब्रीदिंग,
ग्रास्पिंग मीन होता है यानी कि घास वगैरह उठा के वो खाता है, ब्रीथिंग सांस लेता है, एंड प्रोड्यूसिंग साउंड और उसी की वजह से वो आवाज़ पैदा करता है। अब आगे है फर, कौन से जानवर के जिस्म पर फर होती है, वो क्या काम करती है, फर क्या करती है, वो जानवर को क्या काम देती है, फर कीपिंग वार्म, उसको गर्म रखती है। जैसे कि सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो हम लोग जैकेट्स वगैरह कोट पहनते हैं तो उसके अंदर फर लगी होती है जिसको हमें गर्म, जो हमें गर्म रखती है। इसी तरह जानवर के जिस्म पर जो फर होती है उनको क्या करती है, फर कीपिंग वार्म, उनको गर्म रखती है। अब आगे है फिन, फिन कौन से एनिमल में होते हैं, फिश में, और ये क्या काम करते हैं, फार स्लाइडिंग थ्रू द वाटर ईजीली, यानी कि पानी के अंदर उन्हें तैरने में मदद देते हैं। अब ये है हॉर्न्स, हॉर्न्स मीन होता है सींग, तो ये क्या काम करते हैं एनिमल के लिए, फार फाइटिंग, लड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आगे है टेल, टेल होती है दुम, फार बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस, यानी कि मंकी की जो टेल होती है जब वो ब्रांचेस के ऊपर चढ़ता है तो वो उसको क्या करती है, बैलेंस बनाने में उसकी मदद करती है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये वाला पेज आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।